क्या मस्त गाना था ना। नहीं नहीं यार 318 मिलियन इतना तेजी से पढ़ के ब्रूस ले आना किसी एक फीमेल गायक के लिए मतलब भाई बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देती है आजकल की लड़कियां, और इस तरह का गाना लाके 318 मिलियन व्यूज ले आती हैं। खैर सेम इसी पैटर्न में एक और नया गाना आ गया है, और गाना है राजा जी के बगीचा। नहीं नहीं यार ये गाना भी उसी तरह का है, क्योंकि उस गाने को भी शिवानी सिंह ने ही अकेला गाया है और एक्टिंग की है पारुल यादव जी ने, और बिल्कुल सेम उसी तरह का अंदाज है इस गाने में भी, और इस गाने को भी गाई है शिवानी सिंह और उसके बाद एक्टिंग करी है पारुल यादव। मतलब क्या जोड़ी बैठता है दोनों का भाई। एक सिंगल गाना इनका जब आया था तो 318 मिलियन व्यूज मतलब माहौल फाड़ के रख दिया, इतना बजा शादी वादी के सीजन में ना सेंट गमका हुआ कि भाई मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे। और इस गाने को भी बजना जरूरी है, क्योंकि देखिए भाई जब साफ सुथरा गाना आता है ना तो दिल से आवाज आता है कि नहीं नहीं भाई इस गाने को लोगों को जरूर सुनना चाहिए, और जब तक नहीं सुनेंगे तब तक अच्छे गाने प्रमोट नहीं हो पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पहले इस तरह के गाने को आप लोग हिट कराइए, ताकि मार्केट में जब अच्छे गाने बजने लगेंगे ना तो गंदे गाने वाले लोग को भी लगेगा कि नहीं मार्केट में अच्छे गाने ही बज रहे हैं तो हम क्यों खराब गा के बजे। तो इस गाने को पहले आप लोग जाके सुनिए, और गाना जो है नायरा फिल्म्स पे आया है, मतलब आप सर्च करिएगा नायरा फिल्म्स, 20,000 समथिंग कुछ सब्सक्राइबर है और उसी पे ये गाना आया है। हालांकि लोग तो भाई मतलब कमाल ही करते हैं, इतना अच्छा गाना, 0 सब्सक्राइबर भी नहीं है, 20,000 सब्सक्राइबर है चैनल पे, लेकिन फिर भी देखिए इसके व्यूज को, 150 व्यूज इतने अच्छे गाने को, और वो भी इतने बड़े सिंगर के गाने को, मतलब शिवानी सिंह के नाम पे ये धब्बा हो जाएगा कि भाई उनके गाने को 150-200 लोग सुनते हैं, बताइए। खैर जब तक आप लोग सुनिएगा नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि गाना आखिर है कैसा, तो एक बार जाकर जरूर सुनिए। बाकी क्वालिटी, सिंगिंग, वीडियोग्राफी भाई मस्त है, इसके बारे में बात ही नहीं करना है, हर एक चीज इसमें बढ़िया है, प्रोड्यूसर साहब बढ़िया पैसा खर्चा किए हैं, गोल्डन कुमार सिन्हा जी, तो भाई आखिर गाना बढ़िया बनेगा कैसे नहीं। तो जाइए एक बार जरूर सुनिए और कमेंट में आकर जरूर बताइएगा कि आपको गाना आखिर कैसा लगा। नायरा फिल्म्स।